रूस यूक्रेन युद्ध के बीच एक सनसनीखेज खुलासा किया गया है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर जानलेवा हमला किया गया था, लेकिन वो बच निकले। यह खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि यूक्रेन के खुफिया प्रमुख ने किया है। यूक्रेन के खुफिया प्रमुख मेजर जनरल कायर्लो वुडानोव ने बताया कि हत्या का यह सफल प्रयास काकेशस में हुआ था। काकेशस काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच का एक इलाका है। रूस की ओर से 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमला करने के तुरंत बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की हत्या की कोशिश की गई, जिसमें वो बाल बाल बचे। उन्होंने घटना के बारे में यूक्रेन प्रावधा से बात की और कहा कि बिल्कुल असफल प्रयास था, लेकिन यह वास्तव में हुआ। यह लगभग 2 महीने पहले हुआ था। द एक्सप्रेस ने रिपोर्ट किया था कि यह ऑपरेशन अच्छा रहा था और इसमें कोई जटिलता नहीं आई। रूस की खुफिया सेवा से जुड़े जनरल SVR के टेलीग्राम चैनल पर यह जानकारी साझा की गई थी। इसके अलावा रूसी नेता के करीबी ने कथित तौर पर ऑन रिकॉर्ड ये कहा था कि पुतिन ब्लड कैंसर से बहुत बीमार है। इस महीने की शुरुआत में स्काई न्यूज के साथ एक इंटरव्यू में वुडानोव ने भविष्यवाणी भी की थी कि यूक्रेन युद्ध अगस्त के मध्य तक एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच जाएगा और इस साल के अंत तक समाप्त भी हो जाएगा, जिसके बाद रूस में नेतृत्व में बदलाव आएगा। साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया था कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को उखाड़ फेंकने के लिए तख्ता पलट चल रहा है और इसे रोका नहीं जा सकता। पुतिन ने 2017 में सार्वजनिक रूप से खुलासा किया कि वह कम से कम 5 बार हत्या के प्रयासों से बच गए हैं और दावा किया कि उन्हें अपनी सुरक्षा की चिंता नहीं थी। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।